हम अपडेट कर रहे हैं सैयद फयाज अख्तर बुखारी ब्यूरो चीफ पाकिस्तान 27 न्यूज। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ैश ने कहा है कि इंसदाद डेंगू इकदाम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना, वेक्टर सर्वेलियंस और इंसदाद डेंगू SOPs पर 100% अमल दरअमल सबसे मुअस्सर हिकमत अमली है जिसको हर सूरत में अख्तियार किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा सेहत की फील्ड टीमें वेक्टर सर्वेलियंस का काम इंतहाई जिम्मेदारी और एहतियात से सर अंजाम दें। कबाड़ मार्केट, टायर शॉप्स, कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। जो कुछ दुकानदार इंसदाद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करें, इनके खिलाफ कानूनी इकदाम करने के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएं। सरकारी अफसरान अपने जेर इंतजाम दफातर में सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दें और जाती तौर पर हाउस कैंपिंग के काम की निगरानी करें। इन हालात का इजहार उन्होंने जिला के सरकारी दफातर के इंसदाद डेंगू के लिए फोकल पर्सन और इंसदाद डेंगू कमेटी के शुरुआत के इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में तमाम वफाकी और सूबाई महकमों के सरबराहान और इंसदाद डेंगू फोकल पर्सन ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर महार अख्तर हुसैन और डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जिला में वेक्टर सर्वेलियंस, इंसदाद डेंगू इकदाम और सरकारी दफातर की जानिब से हाउस कैंपिंग के इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी।